अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टेशन पे पहुंचे और स्टेशन की शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम शताब्दी से आ रहे थे तो इधर तो रुक ही नहीं हुआ, तो देखा पूरा बदल चुका है और इतना ज़्यादा रश था। गर्मी भी स्टार्ट हो ही गई, अभी ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है जो आने वाली है। बहुत तरक्कियाँ शरक्कियाँ हो रही हैं, स्टेशन बन रहा है माशाल्लाह से। सुबह से घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। ऐसा नहीं कि पहली बार सफ़र अकेले करना हो रहा है, किया है लेकिन फिर भी फिजूल में नहीं, दिमाग में कचड़ा भरता है, तो वही सीन था। और दूसरी तरफ ये लोग जल्दी जल्दी, एक तो पता नहीं क्या इंडियन पेरेंट्स को ये रहती है जल्दी चलने की, स्टेशन ढंग से इमोशनल भी नहीं होने देते, आँख में आंसू अंदर ही रह जाते हैं। पर जो भी कह लो, मुझे लगता है फिजूल में हम इतना सोचते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होता जो हम सोचते हैं, सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो गया। मैंने सोचा था कि वहाँ जाने के बाद मेरा सामान कैसे मैं इधर उधर ट्रेन स्टेशन पे लेके जाऊंगी, ये वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए, मिल जाते हैं, अल्लाह चाहता है तो ईजी कर देता है चीज़ें। स्टेशन से हॉस्टल आते आते हमारा टाइम हो गया था 5:25, इतना 5:30 तक हो गया था, और यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली थी हॉस्टल में। और इतनी सुबह पहुँचने के बाद जो सुबह का मौसम था इतना ज़बरदस्त कि मैं बस खड़े होके वीडियो बनाने लगी वहाँ पे, और मुझे भूख भी लगी थी तो मैंने सोचा कि जो रास्ते का खाना बचा है उसको खा लेते हैं। और हमेशा अम्मी पहले मैंने इम्पॉर्टेंट काम किया जो कि है नींद, तो मैंने फौरन सामान रखा, खोला वोला कुछ भी नहीं, बस लाइट ऑफ और सो गई। और सुबह मेरी आँख खुली 8:30 बजे, और 8:30 बजे उठने के बाद फिर मुझे भूख लग रही थी पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं डाइनिंग में जाकर। और आज नाश्ते में मिला था 2 बर्गर, केचप और चाय, और चाय बहुत ही टेस्टी बनी थी, इतनी ज़्यादा कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 कप चाय पी वहाँ पे। रूम में आ
आने के बाद मैंने सोचा क्या मुझे अभी अनपैकिंग करनी चाहिए या फिर बाद में, क्योंकि अभी करूँगी तो अलमीरा भी सेट करनी पड़ेगी, तो इसको छोड़ते हैं, दूसरे काम करते हैं। और फिर अब हम करेंगे थोड़े जुमे वाले काम जो जुमे में हम करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं स्किप करूं जो रूटीन रमज़ान से चल रहा है, कोशिश करूंगी चलता रहे। क्योंकि आज फ्राइडे था तो डिपार्टमेंट सिर्फ 12 बजे तक ही रहता है ओपन, तो मैं सोची जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिर आखिर मैंने सोचा चलो चलते ही हैं डिपार्टमेंट, देख लेते हैं क्या हो रहा है वहाँ। इस धूप को देख लो ज़रा, बिल्कुल बेरहम, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इतनी गर्मी क्या बोले, गर्मी की शिकायत कर करके भी थक चुके, लेकिन गर्मी थोड़ी अपनी वो करेगी। रास्ते में जाने से पहले पानी ज़रूर ले लें, वो भी ठंडा ठंडा, तो मैंने भी वही की काम किया, पानी ले लिया। और फिर डिपार्टमेंट बंद होने का टाइम हो गया और हम वहां से चलते बने। डिपार्टमेंट से आने के बाद एक और काम करना था, वो ये था कि धोबी भाई को कपड़े देने थे और उसकी लिस्ट बनानी होती है, कपड़े इकट्ठे करने होते हैं, फिर उन्हें देने होते हैं, और जो हम दिए होते हैं उसे लेने होते हैं। क्योंकि मैं आज ही आई हुई थी तो मेरे पास कपड़े बेसिकली होने तो नहीं चाहिए, लेकिन थे, क्योंकि पिछली बार जब हम घर जाते वक्त नहीं दिए थे हॉस्टल में ना होने की वजह से, इसलिए वो सारे कपड़े अभी मैं दे रही हूँ। हम सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर नीचे भाग दौड़ करने से अच्छा एक हमारे लिए आसानी होती है कि हम ऊपर से नीचे फेंक देते हैं ताकि उनको पहुंच जाए, और जब भी हमें खाना खाने जाना होता है हम अपने कपड़े वहां से ले लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे काम चोर, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी में ऊपर नीचे कौन दौड़े, पसीना आ जाता है। खाना खाने गए, और आज फ्राइडे में हमेशा हमें लंच में मिलती है कढ़ी चावल, का दिन मेरा ऐसा गुजरा अलीगढ़ आने के बाद। और बस आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।